आज लगभग 60 मित्रों की एक बैठक ये हुई थी। ये बहुत दिनों से इनका आग्रह था कि चुनावी घोषणा पत्र में किसान और कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं वो मैनिफेस्टो कमेटी के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। और क्योंकि देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन सब के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग हैं, तो वहाँ के किसानों की भी समस्याएं अलग अलग हैं। और कृषि वैसे तो मूलतः राज्यों का विषय है, लेकिन फिर भी नीति निर्धारण के मामले में और बजट एलोकेशन के मामले में केंद्र सरकार का भी दायित्व है। मूलतः उनकी चिंता इस पर रही है कि देश में भूमि, जल और बीज ये किसान की सबसे प्रमुख आवश्यकताएं हैं, और उसके बाद खेती के लिए इनपुट्स जो मशीन यंत्र या जो रसायन जो खाद उसमें डाली जाती है वो उसके बारे में भी उसका मूल्य और उसकी क्वालिटी ये सब उनकी चिंता का विषय है। ये सुझाव हमारे सामने रखे गए हैं, मैं सारे तो पढ़ना उचित नहीं समझता, लेकिन जो मुख्य बहुत से सुझाव हैं उनमें इस बात पर बल दिया है इन्होंने कि जो कृषि योग्य भूमि है, जो पूरे तौर पर सिंचित है, फुली इरिगेटेड या सेमी इरिगेटेड है, उसका उसमें से कोई भी हिस्सा औद्योगीकरण के लिए या शहरीकरण के लिए लेना नहीं चाहिए। देश में जो बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री किनारों पर या ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई खेती नहीं होती उसका उपयोग सबसे पहले औद्योगीकरण के लिए किया जाना चाहिए, या वो ज़मीनें जो किसी समय ली गई थी किसी उद्योग के लिए, उद्योग नहीं चल रहा है तो फिर वो ज़मीन भी फिर से दोबारा से खेतों के या तो किसानों के पास आए या उसी का उपयोग किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए किया जाए, उसका फिर यूज़ चेंज नहीं होना चाहिए। ये इनका इस पर विशेष आग्रह है। भूमि अधिग्रहण के बारे में भी उनके कुछ सुझाव हैं। वैसे तो भूमि अधिग्रहण का कानून बन चुका है, लेकिन फिर भी हम उसका विश्लेषण करेंगे और जो उसमें से उचित होगा उसको हम आगे देखेंगे। जल का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और जल के बारे में इन किसान भाइयों की सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि बिना जल के खेती नहीं हो सकती। जल हमारा घट रहा है, भूमि के नीचे का जल घट रहा है, भूमि के ऊपर का जल घट रहा है, और आवश्यकता है कि भूमि के ऊपर का जल भी बढ़े और नीचे का जल भी है उसका भी स्तर बढ़े। द वाटर टेबल शुड गो अप रादर गोइंग डाउन, सरफेस वाटर शुड बी अवेलेबल मोर एंड मोर। इसके लिए उनका ये भी सुझाव है कि ऐसे बीज, ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रजातियाँ, ऐसे स्पीसीज़ जिनको कम पानी लगे, जिनमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत न पड़े, जिनमें केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत न पड़े, ऐसे बीजों की का विकास किया जाना चाहिए। उसके एक नमूने के तौर पर ये बीज की बालियाँ आपके सामने रखी गई हैं, जो हमारे बनारस ज़िले के ही एक किसान ने उत्पन्न की है, जयप्रकाश जी। और ये वो बालियाँ हैं कि जिसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाली गई, ये वो बालियाँ हैं कि जिस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़का गया, और आज ये लाखों किसानों के पास इनके मेहनत के कारण से पहुँच रही हैं। इसका प्रदर्शन इन्होंने जगह जगह किया, और अब कृषि अनुसंधान के लोग भी ये मानने लगे हैं कि ये बीज बहुत उत्तम प्रकार के हैं, इनकी क्वालिटी के साथ साथ इनकी फूड वैल्यू अच्छी है, और इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बीमारियों की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, बीमारी पैदा नहीं करता है। और इसका ये एक नमूना मैंने आपने रखा। ऐसे भी किसान भाई हैं जो बिना खाद डाले हुए बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न करते हैं, एक एक आम के पेड़ से 40,000 आम पैदा करते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में धान पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, वो सब उन्होंने वहाँ हमको दिखाए भी। ये मैंने आपके सामने विशेष रूप से रखा क्योंकि ये बालियाँ आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से कितनी मोटी हैं
और कितनी इसकी फूड वैल्यू है। जहाँ तक जल का प्रबंध है उसके बारे में भी इनका एक सुझाव है कि जल तो उपलब्ध होना ही चाहिए, लेकिन खेती में जहाँ बीज ऐसे हों जो कम पानी का उपयोग करें, वहाँ सिंचाई के रास्ते भी ऐसे बनाए जाएं, सिंचाई के तरीके भी नए बनाए जाएं कि जिसमें जल का कम से कम उपयोग हो और ऑप्टिमम यूज़ से उसके खेती की जा सके। ज़्यादातर किसान बहुत ही प्रगतिशील हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनके प्रयोग स्वयं के किए हुए हैं और ये सबका आग्रह है कि हिंदुस्तान के किसान के पास जो टैलेंट है, जो अनुभव है, उसका उपयोग सरकार के शोध संस्थानों ने करना चाहिए। यहाँ शोध संस्थानों के भी निदेशक आए थे और उनका भी ये कहना था कि बहुत सी बातें अब वैज्ञानिक दृष्टि से भी, जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं, साबित हो रही हैं कि हिंदुस्तान का खेती करने वाला किसान ये बहुत कुछ जानता है और देश हित में काम कर रहा है। किसानों का ये भी आग्रह था कि अगर ये रासायनिक खाद कम पड़ेगा तो उसका एक लाभ देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हम उसे इम्पोर्ट करते हैं। एक और बड़ी बात जिसकी तरफ किसान भाइयों ने बात बताई, वो मैं समझता हूँ आपको चाहो, वो ये है कि जो बहुत बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड डाला जा रहा है उससे वो कीटाणु भी मर जाते हैं जो खेती के लिए लाभकारी, और यहाँ एक किसान ने वर्षों मेहनत करके ये साबित किया है कि ये जिनको आप पेस्ट कहते हैं वो सबके सब खेती को नुकसान नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो खेती को नुकसान करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। तो इसलिए इसकी बहुत देखभाल होकर समझदारी के साथ उसको किया जाना चाहिए, और उनका ये अनुसंधान अब कृषि वैज्ञानिकों ने मान लिया है और इस दृष्टि में काम हो रहा है। एक बात जो और सामने लाई गई वो ये कि खेती में आईटी का भी प्रयोग होना चाहिए और आधुनिक ऐसे जो साधन हैं जिससे किसान का नेटवर्किंग देश भर में भी हो और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो संबंध कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है किसानों की ओर से खुद आना कि हमें आईटी की आवश्यकता है और इसका उपयोग होना चाहिए। किसानों की फसल की कीमत के बारे में भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि आज की जो तरीका है किसान की फसल का दाम निर्धारण करने का वो ठीक नहीं है, वो गलत है, उसमें सुधार होना चाहिए। एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए कि जो खेती के इनपुट्स आउटपुट्स इन सब को ध्यान में रखते हुए एक तरफ तो खेती के दाम निर्धारित करें, MSP निर्धारित करें, बोनस निर्धारित करें, और इसके साथ साथ किसानों को प्राकृतिक विपदाओं से जो भी कंपनसेशन देना हो उन विपदाओं को का सामना करने के लिए उसका भी निर्धारण करें, क्रॉप इंश्योरेंसेस के बारे में भी निर्धारण करें, यानी एक बिल्कुल इंटीग्रेटेड ऐसा कमीशन हो जो इन सब बातों को देखे और सरकार को बराबर सलाह देता रहे। ये परमानेंट कमीशन होना चाहिए, न कि इसलिए कि आज फसल का दाम तय करना है तो हो गया। उसकी रचना के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं, लेकिन ये एक बहुत गंभीर सुझाव है कि किसानों के सारे आर्थिक मामलों का, उनकी फसल के दाम से निर्धारण से लेकर और उनके कंपनसेशंस तक का, जो प्राकृतिक विपदाएँ हैं उनके बारे में भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर उनका बहुत आग्रह है क्योंकि किसान को कोई एश्योर्ड इनकम नहीं है, इसलिए एक ये मांग भी लाई गई है कि एक एश्योर्ड मिनिमम इनकम प्रत्येक किसान को होनी चाहिए। उसका क्या फार्मूला हो क्या नहीं हो ये तो कोई एक्सपर्ट्स तय कर सकते हैं, मगर ये होना चाहिए। ये मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जब हमारी NDA की सरकार थी तो इस तरह की एक स्कीम जिसमें कि क्रॉप के डैमेज पर और दूसरे सरकार को के किसान को एक मिनिमम आमदनी मिल सके, इसके लिए भी फार्मूला तय किया गया था। तो इसमें से ऐसे ये बहुत से सुझाव हैं जो हमने गंभीरता से सुने हैं और उस पर गहराई से विचार करेंगे, क्योंकि किसान के लिए बीज, ज़मीन और पानी बहुत आवश्यक है और देश के लिए अनाज बहुत आवश्यक है, फूड सिक्योरिटी के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस सब को इंटीग्रेट किया जाए। ये भी बताया है, हमारे सामने एक मॉडल रखा गया है कि एक हेक्टेयर के किसान में की आमदनी कितनी हो सकती है, 2.5 हेक्टेयर के किसान की आमदनी कितनी हो सकती है, less than 1 हेक्टेयर की आमदनी कितनी हो सकती है नई खेती के मुताबिक। तो ये कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं,
और अब हमने मैनिफेस्टो कमेटी के सामने रख के इन पर 25 राज्यों से लोग आए हैं और करीब करीब 60 लोग आए हैं, जिसमें किसान संगठन हैं और विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर्स हैं और सामान्य अपने खेत से जुड़ा हुआ जो रोज़ खेती करता है ऐसा किसान है, महिलाएं हैं जो किसानों की समस्याओं को लेकर गीतों से प्रचार कर रही हैं। धन्यवाद जी। GM crops पे वो तो हमारा पुराना मैनिफेस्टो में है और उसके बारे में हमने तब भी कहा था कि GM crops को तब तक नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि वो फुल्ली हेल्थ और बाकी कंडीशंस को देख करके, यहाँ की फूड हैबिट्स को देख करके स्वीकृत ना हो, और उस पर बहुत खोज करने की ज़रूरत है, शोध करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की मांग ये है कि GM crops टोटली नो, जो यहाँ मांगा है। Are you going to incorporate all these into your manifesto? Not all these, but most of them जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे पास थी भी पहले, और इनमें से जो बेटर सुझाव आए हैं उसको हम जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर ये तमाम मुद्दे निश्चित तौर पर अगर आपकी सरकार आती है उसे लेकर आएंगे, लेकिन इस वक्त लोग जानना चाहते हैं कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा जहां से आप चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। कोई स्पेकुलेशन नहीं, 13 तारीख को संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें सब फैसले होंगे। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित होंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फैसला होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पर भी कोई आघात हो या पार्टी की चुनाव भी जीतने की और ज़्यादा सीटें लाने की दृष्टि से भी कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो। ये आप लोगों ने जो जिस प्रकार का माहौल पैदा किया है, कृपया उसको ठीक करें, क्योंकि आपकी कोई भी बात अभी तक सच नहीं निकली। बहुत बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं। I say the decision is taken by parliamentary board and the meeting will take place on 13th. That's all. आपकी इच्छा क्या है? वो every disciplined soldier accepts it. आपकी इच्छा क्या है सर? आपकी इच्छा क्या? हमारी इच्छा तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को बताएं। आई डोंट स्पीक आउटसाइड, आप जानते हैं कि मैं बाहर नहीं बोलता हूँ, जो मुझे कहना होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहता हूँ, और ये आपको सबको मालूम है कि उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहर मैं कोई बात बोलता नहीं हूँ। CEC क्या मतलब? सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, दैट इज देयर, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सीट्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट्री बोर्ड, दे विल बी ऑन 13th। Dr. Joshi, there's a poster war raging in Banaras. There is no postal war. I'm sorry, it is not no postal war. Postal war. There were posters showing. Support for Modi and equally. No. Please don't make manipulated media news. There was a poster since the rally days that Modi lao Desh Bachao. That is in all over the country. Then there is a holy greetings from my side. Where's the war? It's your all mental fixation and nothing else. कानपुर से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। मैंने कहा कि जो भी फैसला होगा वहाँ होगा, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति में होगा, और शायद ही कोई ऐसी बात पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा जिससे पार्टी की या उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की कोई बात हो, बशर्ते कि आप लोग संयम रखें और गलत प्रचार पर ध्यान न दें। धन्यवाद।